हेलो फ्रेंड, मैं संजय गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड एलपी और टेक्नीशियन का जो भर्ती आया था 2018 में, उसमें जो कैंडिडेट स्टैंड बाय में है उनके अकॉर्डिंग जो है वो बात करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो वेटिंग कैंडिडेट है वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस बात से परेशान है कि उनका जो है अभी एक दो बोर्ड का जो है पैनल आ चुका है टेक्नीशियन के रिगार्डिंग। एलपी का तो चलिए आ गया सारा, बट टेक्नीशियन का जो है अभी तक एडिशनल पैनल बहुत से बोर्ड ने जो है जारी नहीं किया है। एक दो बोर्ड ने जो है जारी किया, जैसे सेंट्रल रेलवे ने जारी किया है, साथ में अदर कुछ बोर्ड द्वारा जो है कुछ एक पैनल जो है दिया है, बट सभी का अभी तक नहीं दिया। तो कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि अभी जो है उनका कोई भी एडिशनल पैनल या रिप्लेसमेंट पैनल क्यों नहीं यहाँ से आ पा रहा है। ठीक है, क्या अब जो है आगे एडिशनल पैनल या रिप्लेसमेंट पैनल जो है वो नहीं आएगा? ठीक है, जो अप्रूवल आपको 14 जुलाई 2022 को मिला था, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग तो फ्रेंड देखिए, और काफ़ी ज़्यादा ये भी सुनने को मिल रहा है कि कुछ कैंडिडेट जो जिनका ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और ना ही मेडिकल हुआ है, वे लोग जो है इस बात पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं बोर्ड को कि उनका जो है डीवी का कटअप डाउन करके उनका दोबारा डीवी लिया जाए। तो देखिए, जब तक रेलवे का रूल ये है, आज से नहीं बहुत पहले से, जब तक स्टैंड बाय कैंडिडेट हैं जिनका मेडिकल और डॉक्यूमेंट हो चुका है, तब तक जब तक उनको एडजस्ट नहीं किया जाता है तब तक सेकेंड डीवी नहीं कराया जा सकता। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो है मेडिकल पास कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनका मेडिकल में रेलवे पैसा खर्च किया है। ठीक है, उनका मेडिकल में पैसा खर्च किया है, कैंडिडेट का जो है इतने दिन से वेटिंग में है, स्टैंड बाय में है, तो उनको पहले प्रीफर करेगा क्योंकि वो लोग का मेडिकल भी पास किया हुआ है। ठीक है, जब स्टैंड बाय कैंडिडेट का संख्या जो खत्म हो जाएगा, उनका एडजस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद अगर रेलवे को जरूरत पड़ा तब वो जो है सेकेंड भी कराएगा। ठीक है, तो ये जो मैं कैंडिडेट को बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेडिकल जो लेने के बाद जो एडिशनल पैनल और रिप्लेसमेंट पैनल आता है स्टैंड बाय कैंडिडेट के रिगार्डिंग, तो ये कोई आज का अपडेट नहीं है या ये कोई आज का नियम बना हुआ नहीं है। ठीक है, इसे आप जो है देख सकते हैं, ये RRB चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड है। यहाँ पर जब आप इस सेक्शन पे जाइएगा, एडिशनल एंड रिप्लेसमेंट रिजल्ट के सेक्शन पे जाइएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जितना भी रेलवे का अभी तक भर्ती आया है उसमें जो है, चाहे वो एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, एएसएम हो, गुड्स गार्ड हो, सब में आप देखिएगा यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल और एडिशनल पैनल उनको जो है यहाँ पर दिया जाता था। ठीक है, चलिए स्क्रॉल करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कैटेगरी नंबर 11 का है, यहाँ पर 4/2012 का है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल का है, तो इनका देखिए यहाँ पे रोल नंबर और नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट इनका देख सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेसमेंट आया है। ठीक है, आगे चलिए एडिशनल का अगर बात करें तो देखिए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का भी रिप्लेसमेंट पैनल आता है। ठीक है, और ये वैकेंसी कब का है, 3/2012 का वैकेंसी है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, मतलब ASM का। ठीक है, और इनका रिप्लेसमेंट कब आया वो आप देखिए, इनका रिप्लेसमेंट आपका आया है 2014 में सितंबर मंथ में, मतलब 12 से 14, 2 साल के बाद इनका जो है रिप्लेसमेंट आया। चलिए आगे अगर बात करें, गुड्स गार्ड का भी देख लीजिए, 2012 का वैकेंसी में आपका, 2014 में इनका रिप्लेसमेंट आ रहा है। आगे एडिशनल का अगर बात करें तो कैटेगरी नंबर जो आपका 01/2014 में जो एलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था, एलपी का वैकेंसी, उसका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनल पैनल यहाँ पे दिया गया है साउथर्न रेलवे के द्वारा एडिशनल 2015 में। ठीक है, कब का वैकेंसी है, 14 का वैकेंसी है, 2015 में दिया जा रहा है। ठीक है, आगे और इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2015-2016, अगर 2016 का भी बात करें फिर भी यहाँ पर आप देखिएगा 1/2014, ये भी 2014 का जो एलपी का वैकेंसी आया था वो यहाँ पे दिया गया है, और इसका भी आप जो देखिएगा तो एडिशनल यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 जनवरी 2016 का उनका एडिशनल आया हुआ है। कब का वैकेंसी है, 1/2014 एलपी वाला। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी है साउथ सेंट्रल रेलवे का, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाइवर्जन भी यहाँ पे किया गया है, किस बोर्ड के इनका, साउथ सेंट्रल रेलवे में जो है डाइवर्जन भी इनका किया गया है, और एडिशनल पैनल ये पे देख सकते हैं। डेट कब का है, 28 जनवरी 2016 का। ठीक है, 2014 का वैकेंसी आपका जनवरी 2016 में यहाँ पे क्लियर हो रहा। ठीक है, आपका फरवरी 2014 में वैकेंसी यही आया है। ठीक है, सॉरी जनवरी 2014 का वैकेंसी है, और आपका क्लियर कब हुआ है, ये 28 जनवरी 2016 को ये क्लियर हुआ वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं पूरा पूरी यहाँ पे 4 साल बाद यहाँ पे वैकेंसी क्लियर हुआ, वो भी एडिशनल पैनल के द्वारा। तो एडिशनल पैनल फ्रेंड कोई नया बात नहीं है, ये रेलवे का रूल है, और जो 2018 एलपी और टेक्नीशियन का जो
टेक्नीशियन का जो LP और टेक्नीशियन का एडिशनल पैनल आ रहा है ये भी जो है उसी नियम के तहत आ रहा है। ये जो नियम बना था ये 2003 में आपका नियम ये बना हुआ है और उसी को रेलवे जो है फॉलो कर रहा है। किसी प्रकार का कोई यहाँ पे जो इलीगल वर्क ये नहीं हो रहा है, ये रेलवे का पहले का बना हुआ रूल है, ठीक है, जिसके तहत रेलवे हमेशा से जो है कैंडिडेट जो स्टैंड बाय कैंडिडेट होता है उनके लिए एडिशनल पैनल और रिप्लेसमेंट पैनल जो है वो जारी करती है, ठीक है। क्योंकि रेलवे का वैकेंसी ऐसा नहीं है कि 10 वैकेंसी आया तो उसका हम जो है नोटिफिकेशन निकालते, ऐसा नहीं होता है। हर बोर्ड का वैकेंसी टेबल को देखा जाता है, उसके बाद जितना कैलकुलेट होता है वैकेंसी टोटल, चाहे वो 40,000 हो 50,000 हो, उसके एक साथ जो है उसका वैकेंसी निकाला जाता है। तो इस तरह करने में लगभग आपको 4 से 5 साल यहाँ पे रेलवे जो है टाइम ले लेता। तो इस 4 से 5 साल में जो वैकेंसी क्रिएट होती है, मान के चलिए कि 5-10 वैकेंसी क्रिएट होती है, तो इस पे जो है न्यू रिक्वायरमेंट नहीं आता है। इस पे क्या होता है, इस पे उसी कैंडिडेट को लिया जाता है जिनको स्टैंड बाय में रखा गया। और स्टैंड बाय में कैंडिडेट को इसलिए ही रखा जाता है कि चूँकि वैकेंसी जो एक बार में आती है तो उसमें जो है टाइम लगता है उसको मैनेज करने में, उसका एग्ज़ाम होता है CBT 1 CBT 2 साइको, ये सब करने में ही 1 साल से 1.5 साल लग जाता है। तो तब तक जो है उसकी कमी को पूरा करने के लिए, एम्प्लॉय की कमी को पूरा करने के लिए स्टैंड बाय में कैंडिडेट को रखा जाता है, ताकि जो है ज़रूरत के टाइम पे अचानक से अगर ज़रूरत पड़ा 5-10 कैंडिडेट का तो हम रिप्लेसमेंट या एडिशनल पैनल देके स्टैंड बाय क्लियर करें और अपना हम काम जो है जारी रखें, ठीक है। तो ये रेलवे का रूल था, ठीक है, इसमें किसी तरह का कैंडिडेट को कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी कुछ कारण के वजह से पैनल आने में देरी हो रहा है। आपको जैसे कि पता है कि 17 अगस्त से आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू है, तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम की वजह से RRB बिजी है, और जो 2018 का ग्रुप डी था उसका भी अभी तक कुछ कैंडिडेट का जो है वो मेडिकल होना है किसी किसी बोर्ड में, जिसके कारण से अभी पैनल आने में देरी हो रहा है। बट अगस्त के लास्ट तक बहुत से बोर्ड का टेक्नीशियन का पैनल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो LP का पैनल आ चुका है उनका भी जो है मेडिकल 20 अगस्त के बाद से शुरू हो जाएगा, ठीक है, 20 अगस्त के बाद से मेडिकल उनका शुरू हो जाएगा। और जिसका डेट मेडिकल का दे दिया है पहले, उनका मेडिकल तो होगा ही, और जिस बोर्ड का अभी तक मेडिकल नहीं लिया गया तो उनका 15 से 20 अगस्त के बाद से जो है आपका मेडिकल चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड ये कुछ अपडेट था, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी स्टैंड बाय कैंडिडेट है उनको किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, उनका पैनल जो है रेडी हो रहा है। आपको सेप्टेम्बर मंथ तक कोई भी कैंडिडेट जो है वो खाली नहीं बचेगा, सबका पैनल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग भी अपना वैकेंसी जो तैयारी जो करते हैं वो लोग अपना तैयारी जारी रखें, क्योंकि आपका मई मंथ में जो है 2023 में न्यू नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा LP और टेक्नीशियन का। लगभग यहाँ से आपको जो है 60,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 60,000 LP और टेक्नीशियन मिला के आपको 60,000 का वैकेंसी मिलेगा 2023 में। तो उसके लिए आप लोग जो है तैयारी करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।